दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक कई अहम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों में से तीन से एनआईए ने पिछले लगभग एक हफ्ते के दौरान दिल्ली में लंबी पूछताछ की है। पूछताछ के बाद एनआईए टीम कफिल, इमरान और नासिर को गुरुवार की शाम पटना लेकर आ गई थी। इन सभी को एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच पटना स्थित एटीएस मुख्यालय में रखा गया है। वहीं रिमांड अवधि पूरी होने के कारण शुक्रवार को इन तीनों आतंकियों के साथ इन लोगों के आकाश सलीम को भी पटना स्थित एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि पटना सिविल कोर्ट ने इन्हें 9 जुलाई तक रिमांड पर रखने का निर्देश दिया था, जिसके बाद एनआईए नासिर, इमरान और काफिल को पूछताछ करने के लिए अपने साथ दिल्ली ले गई थी। वहीं एनआईए के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार दोपहर में इन सभी को एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से एक बार फिर से इनकी रिमांड मांगी जाएगी। अगर सलीम की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाती है तो उसे भी रिमांड पर देने की मांग एनआईए कोर्ट से की जाएगी। गौरतलब है कि एनआईए ने नासिर मलिक और इमरान मलिक को हैदराबाद से बीते 30 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों को एनआईए कोर्ट में पेश किए जाने के बाद 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। गिरफ्तार दोनों आतंकी सगे भाई बताए जाते हैं। वे पूर्व में सिमी के लिए काम कर चुके हैं। इसके लिए करोड़ों की फंडिंग ISI और लश्कर के द्वारा की गई थी। इस मामले में शामली के कुछ नामी लेडीज सूट कारोबारी एनआईए के रडार पर हैं। वहीं एनआईए ने यूपी एटीएस के सहयोग से सलीम और काफिल को यूपी के शामली से 2 जून को गिरफ्तार किया था और 3 को पटना एनआईए कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद एनआईए ने कफिल को रिमांड पर देने की मांग कोर्ट से की थी। कोर्ट ने कफिल को 6 दिनों के लिए एनआईए को रिमांड पर दे दिया था और सलीम को 6 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भी भेज दिया गया था। बता दें कि 17 जून को दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन से पार्सल उतारने के क्रम में ब्लास्ट हो गया था। इसके बाद से ही हमले के आतंकी कनेक्शन खंगाले जाने लगे थे। अब तक इस मामले में यूपी एटीएस ने शामली से सलीम और कफिल नामक दो संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। वहीं ISI के लिए काम करने वाले नासिर और इमरान को तेलंगाना एटीएस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले की जाँच कर रही है।